नाजरीन, वक्फ बोर्ड की जानिब से बहुत सारे बड़े वक्फ इदारों को लेटर इशू किया गया है। इसके बारे में बहुत सारे एक्टिविस्ट और इंटेलेक्चुअल्स के इंटेलेक्चुअल्स सवाल उठे हैं, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे वजीर बेग साहब जो सोशल वर्कर हैं। मैं आपको इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। शुक्रिया, शुक्रिया। तो आप ये अपील के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? ये रिक्वेस्ट लेटर जो दिया गया है सीओ की जानिब से विदाउट अप्रूवल ऑफ द वर्क बोर्ड एंड अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन ऑफ द वर्क बोर्ड, ये मेरी समझ के बाहर है कि ये लेटर किसके हुक्म से दिया गया और किस वजह से दिया गया है, जबकि कोविड 19 से सारी दुनिया इस वक्त परेशानी में मुब्तला है। अब सारी हुकूमतें अपनी आवाम को अनाज गज़ा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ भी हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ एनजीओस का बड़ा बहुत बड़ा रोल रहा है, यहाँ कर्नाटक में, हमारे कर्नाटक की बात हो रही है, कर्नाटक वक्फ बोर्ड की, तो एनजीओस बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। और अभी परसों चारशंबे के दिन येडियुरप्पा साहब, हमारे अब्दुल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑटो ड्राइवरों, टैक्सी ड्राइवरों और जो कि जुलाहों वगैरह के लिए भी एक पैकेज तैयार किया है। बहुत खुशी की बात है ये इस तरह के हो रहे हैं, लेकिन इस संस्था में वक्फ बोर्ड की जानिब से बड़े बड़े इदारों को 50 लाख दो, 25 लाख दो, 20 लाख दो और वक्फ बोर्ड के अकाउंट में जमा करो और वक्फ बोर्ड से हम रिलीज़ करेंगे, ये समझ में नहीं आने वाली बात है कि अगर देना ही है तो वो इदारे खुद दे सकते हैं, एक। और दूसरी बात, उन्होंने इस लेटर में जो तनवीर सेठ को लिखा गया है और दूसरे इदारों को भी लिखा गया है, बैंक का अकाउंट नंबर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पता दिया गया है जो कनिंगम रोड में वाक़ है। अब वो पैसे जमा करेंगे उस अकाउंट में तो वक्फ बोर्ड जारी करेंगे, वक्फ बोर्ड के सीओ जारी करेंगे सीएम साहब के रिलीफ अकाउंट में, रिलीफ फंड में। ये अच्छी बात है कि रिलीफ अकाउंट में हर कोई दिल खोल कर दे ताकि वो तमाम आवाम के लिए ही काम आते हैं। चूँकि वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए ही रखा गया है, बनाया गया है, मुसलमानों की फलाह बहबूदी, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह पर काम करने के लिए बनाया गया है, तो मुसलमानों को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए मेरी नज़र में, और मुसलमानों को ही वक्फ बोर्ड से फ़ायदा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे भी फ़ायदा ना उठा सके। इस पूरा शुभ दौर और ये वबा के दौर में हर कोई हर किसी को मदद दे सके, ये इंसानी हमदर्दी के नाते कर सकते हैं। लेकिन बड़े इदारों से, अब इसमें लिखा गया है कि टीपू वक्फ एस्टेट से 50 लाख रुपये दिए जाए, मैं इसकी ये बात वजाहत कर देना चाहता हूँ, टीपू वक्फ एस्टेट में सिर्फ ग्रांट पर ही उसका गुजारा होता है और उसके अलावा उसकी आमदनी पार्किंग फीस और जूते चप्पल के टेंडर पर ही होता है। अब इस तरह के, क्योंकि तनवीर सेठ भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, एमएलए कैटेगरी में मेंबर हैं, तो उनकी इजाज़त लिए बगैर, बोर्ड की इजाज़त लिए बगैर ये समझ में नहीं आने वाली बात है कि इस लेटर को किस तरह लिखा गया है, दिया गया है। तो अब ऑलरेडी जो ये लेटर इशू कर दिया गया है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए, बड़े बड़े आदमियों के लिए ये लेटर दे दिया गया है, तो इसके बजाय वक्फ बोर्ड को क्या, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? जी देखिए, ये इमीडिएट वक्फ बोर्ड की मीटिंग बुलानी चाहिए और उस पर तहकीक होनी चाहिए कि ये लेटर किस वजह से, वजूहात की बिना पर किया गया और किसने अप्रूव किया है ये लेटर के लिए। क्या वो अपने ये, अगर सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट होती है अगर उन्होंने कहा है तो उसमें इसका जिक्र नहीं किया गया कि हमें गवर्नमेंट ने कहा गया है, ये क्या बात हुई? क्या वो अपने आँखों को खुश करने के लिए, कुछ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए तो ये नहीं किया जा रहा है? हमारे जहन में ये सवाल उठ रहा है। और ये लेटर की अहमियत के लिए कानूनी जवाब क्या है, ये भी हम अपने वकीलों से जांच करके, अगर हो सके तो, अगर ये नाजायज़ हो तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के भी हम दबाव डालेंगे और सरकार से भी कहेंगे और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट को भी जाएंगे कि इस लेटर देने की वजूहात क्या हैं। और विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, क्योंकि वक्फ बोर्ड सुप्रीम अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वक्फ बोर्ड के अथॉराइजेशन पर ही सीओ को काम करना पड़ता है,
एज पर द रूल्स एंड एक्ट, लेकिन ये विदाउट अप्रूवल ऑफ द वक्फ बोर्ड कैसे किए हैं ये हमारे समझ के बाहर की बात है, और इसकी तहकीकात ज़रूरी हैं और वक्फ बोर्ड को इनिशिएटिव लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। यानी ये चेयरमैन के अप्रूवल के बिना ये लेटर इशू किया गया है, तो आप क्या मानते हैं कि ये इलीगल है क्या? हो सकता है, हम अपने वकीलों से मशवरा करेंगे, मशवरा करने के बाद उसको जायज़ है नाजायज़ है वो देखेंगे, अगर नाजायज़ हो गए तो उसके हुकूमत से बहस-पुरस करेंगे कि किस वजूहात की बिना पर हुआ है। अभी ऐसा लगता है कि ये एक साजिश भी हो सकती है कि मुसलमानों का पैसा डाइवर्ट किया जाए। अभी हमें इत्तलात ऐसे मिल रहे हैं कि हुकूमत हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब मठों और मंदिरों के लिए पैसों ग्रांट वगैरह देने की सोच रहे हैं, इस तरह की छन छन कर खबरें आ रही हैं, हो सकता है वो दे भी तो इस तरह मस्जिदों को भी देना चाहिए, दरगाहों को भी देना चाहिए, वहाँ भी मुलाजमीन काम करते हैं, उनको भी कोई आमदनी के ज़राए नहीं है, रमज़ान के महीने में चंदे वगैरह भी लोगों से वसूल नहीं किया जा रहा है, मस्जिद में नमाजियों की ताले मस्जिदों में ताले लगने की वजह से नमाजियों की आने जाने पर पाबंदी है, और हर नमाज के बाद चादर बिछाई जाती थी, पैसे वसूल हुआ करते थे, वो तो सारे बंद पड़े ही, और वहाँ सबसे बड़ी ज़्यादा ज़रूरत मस्जिदों में है। मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह, मौजूनों की तनख्वाह, जो तनख्वाह नहीं वो जो रेम्यूनरेशन है वो देने से काफ़ी नहीं चलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये इमाम को देंगे तो इमाम का दूध का खर्चा हो जाएगा माहाना, तो इस तरह का तनख्वाहों के भी लाले पड़ गए हैं, और किराए जो इदारों में मसाजिद के किराएदार हैं वो किराए भी दुकान बंद रखे हैं, किराए भी वसूल नहीं हो रहे। इन हालात में आप ज़्यादातर सीओ साहब को इस तरफ तवज्जा देनी चाहिए थे, जबकि उन्होंने सीएम रिलीफ फंड पर तवज्जा दी गई। थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट वजीर बेग साहब, जो जानकारी दे रहे थे वक्फ बोर्ड के सीईओ जो लेटर इशू किया गया था उसके बारे में। शुक्रिया वजीर बेग साहब।